भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। कत्लखाने ले जा रहे तेज रफ्तार मवेशियों से लदे वाहन का भीषण अपघात। छह मवेशियों की घटना स्थल पर मौत। मवेशी गंभीर जख्मी। चार मवेशियों को किया मुक्त। वाहन चालक घटनास्थल से फरार। नहीं लग रही अवैध गौ तस्करी पर लगाम। गुरुवार 2 मार्च सुबह तड़के 5 बजे के दरमियान गोबरवाही से तुमसर राज्य महामार्ग पर बघेड़ा फाटा चिचोली के पास तेज रफ्तार से गौवंश की तस्करी कर रहे वाहन का भीषण हादसा हो गया, जिसमें 6 मवेशियों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो 3 मवेशी गंभीर जख्मी और 4 मवेशियों को बचाया गया है तथा वाहन चालक घटना स्थल से फरार हो गया है। गोबरवाही तुमसर महामार्ग पर गुरुवार सुबह 5 बजे के करीब वाहन क्रमांक MH40BL9182 वाहन से 13 मवेशियों को कत्लखाने ले जाया जा रहा था। इसी दौरान चिचोली फाटा के पास चालक का नियंत्रण खो जाने के कारण वाहन रोड के नीचे जाकर पलट गया। वाहन पलटते ही घटना स्थल से वाहन चालक फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही चिचोली ग्राम के ग्रामीण एवं गोबरवाही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर गाड़ी से गौवंश को निकाला, जिसमें 6 गौवंश घटना स्थल पर मृत्यु हो गई, 3 गंभीर जख्मी तथा 4 गौवंश को मुक्त कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही तुमसर पुलिस घटना स्थल पर दाखिल होकर की जांच कर रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत। लाखनी साकोली राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर मुंडीपार सड़क की घटना। पांच माह में तीसरी घटना। अंदाजे 2 वर्ष का था तेंदुआ। परिसर के नागरिकों ने की तेंदुए को देखने के लिए गर्दी। शिकार की तलाश में वन क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पार कर रहे एक तेंदुआ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें तेंदुए की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होने की घटना लाखनी साकोली महामार्ग पर मुंडीपार सड़क के पास एक ढाबे के सामने बुधवार रात करीब 11:30 बजे के दरमियान हुई है। तेंदुए के मारे जाने की जानकारी होते ही इलाके के नागरिकों ने घटना स्थल पर गर्दी कर दी थी। घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। मारा गया तेंदुआ करीब 2 साल का बताया जा रहा है। रात में जब वह शिकार की तलाश में नेशनल हाईवे पार कर रही थी तो यादव ढाबा और रॉयल ढाबा के बीच पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तेंदुए के शव को रात में कब्जे में लेकर लाखनी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जामड़ी नर्सरी ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार किया जाएगा। नागरिकों की शिकायत है कि भंडारा जिले में लाखनी साकोली राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर वन्य जीव अंडरपास का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। इसी की तरह
20 नवंबर 2022 को सड़क हादसे में एक तेंदुए की मौत हो गई थी। साथ ही पिछले महीने भी इसी इलाके में एक तेंदुए का शव मिला था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने सनसनी पैदा कर दी है। नेशनल हाईवे 53 पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एरिया में वाइल्ड लाइफ अंडरपास बनाने का काम चल रहा है, लेकिन बेहद धीमी गति से चल रहे इस काम ने अब जंगली जानवरों की जान ले ली है। मानद वन्य जीव संरक्षक नदीम खान ने कहा है कि पहली सूची में शामिल वन्य जीवों की मौत बार बार हो रही है और इससे काफी नुकसान हो रहा है। नदीम खान ने मांग की है कि यह मार्ग वन विकास निगम के अधीन है और वे इसे वन विभाग को हस्तांतरित करें। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार विदर्भ के कुछ जिलों में 5 और 6 मार्च को दो दिन बारिश की संभावना जताई गई है। भंडारा जिले में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई हाल ही में की गई है। लाखांदूर एवं पौनी तहसील में ग्रीष्मकालीन धान की फसल बड़ी मात्रा में ली जाती है। साथ ही गेहूं, चना, मोटे अनाज की भी फसलें खेत खलिहान में है। मौसम विभाग का अनुमान के अनुसार 5 और 6 मार्च को विदर्भ में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। बारिश से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सावधान बरतने का इशारा दिया गया है। गोंदिया की अपराध शाखा पुलिस दल को खैरलांजी मध्य प्रदेश की ओर से तिरोडा मार्ग से होते हुए नागपुर की ओर एक पिकअप वाहन के जरिए खैर प्रजाति के लकड़े की तस्करी संबंधी मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने सोमवार 27 फरवरी को देर रात 2:30 बजे के दौरान दौनीवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा परिसर में नाकाबंदी कर खैर प्रजाति के लकड़े से लदा सफेद रंग का पिकअप वाहन पकड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने पिकअप वाहन क्रमांक MH30L4885 व खैर प्रजाति के 150 लकड़े सहित लगभग 5 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इस संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर के आदेशानुसार पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की टीम सोमवार 27 फरवरी की देर रात 2:30 बजे के दौरान गश्त पर थी। इसी दौरान दल को गुप्त जानकारी मिली कि खैरलांजी मध्य प्रदेश की ओर से तिरोडा मार्ग से होते हुए नागपुर की ओर एक पिकअप वाहन में खैर प्रजाति के लकड़े तस्करी कर बिक्री के लिए ले जाया जा रहा है। जानकारी के आधार पर पुलिस ने ग्राम परसवाड़ा में नाकाबंदी की। कार्रवाई के दौरान सफेद रंग का टाटा कंपनी का एक पिकअप वाहन क्रमांक MH30L4885 आता दिखाई दिया, जिसे रोक कर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें वाहन के पिछले हिस्से के डाले में 3 से 4 फुट लंबे एवं 50 से 60 सेंटीमीटर गोलाई 150 खैर प्रजाति के लकड़े भरे हुए पाए गए। उक्त लकड़े की मालकियत एवं परिवहन के लाइसेंस के विषय में पूछे जाने पर वाहन चालक नाबालिग एवं उसके साथ बैठे रतनलाल सूरजलाल पटले ने टालमटोल जवाब दिए तथा उनके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज होने से इनकार किया और बताया कि उक्त लकड़ा अवैध रूप से बिक्री के लिए सिहोरा ले जाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने लकड़ा वाहन जब्त कर पुलिस दल ने वन परिक्षेत्र अधिकारी तिरोडा को घटनास्थल पर बुलाकर आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी एवं माल उनके सुपुर्द कर दिया। आगे की कार्रवाई तिरोडा वन विभाग द्वारा की जा रही है। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक विघ्ने, पुलिस हवालदार ठाकरे, तुरकर एवं पटले ने की है। भंडारा जिले में खरीफ मौसम के तहत सरकारी समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। इस धान खरीदी की अवधि 28 फरवरी को समाप्त होने वाली थी, पर अब यह धान खरीदी 8 मार्च तक की जाएगी। अब तक कुल 3 बार धान खरीदी का समय बढ़ाया गया है। वही अधिकतम किसानों द्वारा धान पहले ही बेच दिया गया है। ऐसे में यह धान खरीदी किसके लिए बढ़ाई जा रही है, यह सवाल सामने आ रहा है। खरीफ मौसम में किसानों द्वारा मुख्य धान की फसल ली जाती है। इस बार सबसे पहले 31 जनवरी 2023 तक धान खरीदी की अनुमति दी गई थी, लेकिन जन प्रतिनिधियों ने धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग की तो इसे 15 फरवरी तक बढ़ाया गया, लेकिन इसके बाद फिर से धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। शासन ने फिर से 28 फरवरी तक धान खरीदी की अवधि बढ़ा दी। वहीं एक दिन पूर्व 28 फरवरी को जिला पणन विभाग ने धान खरीदी केंद्रों को पत्र जारी कर खरीदी 8 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
मोहाड़ी पंचायत समिति के तहत तहसील के ग्राम धोप ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत की 21 एकड़ बंजर जमीन पर फसलों के पौधे रोपाई करने का प्रयोजन किया गया है। ग्राम पंचायत की जमीन पर किसान व ग्रामीणों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। यह बात ग्राम पंचायत के ध्यान में आते ही ग्राम पंचायत ने सरकारी जगह पर अतिक्रमण नहीं करने देने का संकल्प लेकर पौधारोपण का प्रयोजन किया है। आर्थिक वर्ष 2012-13 में ग्राम रोजगार सेवक सरपंच व ग्राम सेवक ने उपरोक्त जमीन पर मनरेगा योजना के तहत फल बाग व पौधारोपण कर उपरोक्त जमीन का संरक्षण किया जाएगा। इसके जरिए गांव के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होगा तथा भविष्य में फल बाग के उपज से ग्राम पंचायत को आर्थिक लाभ हो, ऐसा प्रस्ताव ग्राम सभा के समक्ष रखा। ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में अपनी सहमति दी। इससे गांव के मजदूरों को रोजगार मिलेगा और ग्राम पंचायत के लिए आय का स्रोत भी निर्माण हो गया है। ग्राम सभा की सहमति से ग्राम पंचायत ने आर्थिक वर्ष 2012-13 के नियोजन प्रारूप में उपरोक्त काम का समावेश किया गया, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की ओर से सभी दस्तावेजों की पूर्ति करके प्रस्ताव तैयार कर तकनीकी व प्रशासकीय मंजूरी के लिए प्रस्ताव पंचायत समिति कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। पंचायत समिति स्तर पर उपरोक्त काम को तकनीकी व प्रशासकीय मंजूरी दी गई, जिसके अनुसार आर्थिक वर्ष 2012-13 के बारिश के मौसम में फलबाग रोपाई कार्य शुरू की गई। धोप गांव में 90% लोग कृषि व्यवसाय व खेत मजदूरी कर परिवार का उदर निर्वाह कर रहे थे। गांव की अधिकांश जमीन में पानी की सुविधा न होने से खरीफ मौसम के बाद मजदूरों के हाथों को काम नहीं था। मजदूरों को तेंदुपत्ता संकलन मिर्च व अन्य रोजगार के लिए बाहर गांव में काम के लिए जाना पड़ता था। मजदूरों को गांव में ही काम व रोजगार मिले, इन सभी बातों पर गौर कर ग्राम पंचायत ने खाली जमीन पर मनरेगा योजना के तहत फलबाग योजना ली। इस पर ग्राम पंचायत ने फलबाग व वृक्षारोपण काम पर किए गए अकुशल खर्च की तुलना में ग्राम पंचायत धोप में विविध कुशल काम किए गए। पौनी में रहने वाली एक विवाहिता ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर विवाह की तीसरी सालगिरह के दिन जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पौनी पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम स्नेहा राहुल कावले, उम्र 22 वर्ष है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 26 फरवरी 2020 में पौनी तहसील के शिवनाला के वसंत इटनकर की बेटी स्नेहा की शादी आजाद चौक पौनी के राहुल कावले, उम्र 25 वर्ष हुई थी। उन्हें श्रेयांशी नाम की 1 साल की बेटी है। शादी के कुछ दिनों बाद पति राहुल शराब पीने लगा। वह अपनी पत्नी स्नेहा को उसके माता पिता से खेत में हिस्सा मांगने के लिए मारपीट करता था। 25 फरवरी को स्नेहा के चाचा के लड़के की शादी थी। इसी दौरान स्नेहा अपने पति राहुल के साथ बेटी को लेकर घर पहुंच गई। राहुल ने ससुराल में स्नेहा से झगड़ा किया और उसे 2 थप्पड़ मारे। शादी के बाद दोनों वापस पौनी चले गए। 26 फरवरी को शादी की तीसरी सालगिरह के दिन स्नेहा ने जहर का सेवन कर लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान रात में उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता वसंत इटनकर की शिकायत पर पौनी पुलिस ने राहुल कावले को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। तुमसर तहसील के अंतर्गत नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले बीट क्रमांक 2 के पवनार खारी गांव के गोबरवाही डोंगरी बुजुर्ग मार्ग पर नील गाय की मृत्यु हो गई। घटना बुधवार 1 मार्च की सुबह 7 बजे के दौरान घटित हुई। नील गाय की मृत्यु जहरीला पानी पीने से होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले बीट क्रमांक 2 में गोबरवाही डोंगरी बुजुर्ग पवनार खारी गांव के पास मार्ग के किनारे नील गाय चीखती हुई दिखाई दी। इसे लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा डोंगरी के वन परिक्षेत्र अधिकारी को जानकारी दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज मोहिते अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तड़प रही नील गाय को नाका डोंगरी के वन परिक्षेत्र कार्यालय में लाया गया, लेकिन वहां पर उसकी इलाज के पहले ही मृत्यु हो गई। उस पर जंगल परिसर में अंतिम संस्कार किए गए। किसानों द्वारा छिड़काए गए कीटनाशक मिश्रित पानी पीने से नील गाय की मृत्यु होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपने कभी आसमान में 3 ग्रहों को एक साथ एक सीधी लाइन में देखा है? यह हैरतअंगेज नजारा बीती 22 फरवरी को देश सहित दुनिया में देखने को मिला, जब आसमान में शुक्र, गुरु और चंद्रमा एक साथ सीधी लाइन में नजर आए। इस अद्भुत नजारे की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोई ट्विटर पर तो कोई फेसबुक पर इस दुर्लभ नजारे की वीडियो शेयर कर रहा है। ये शानदार घटना पूरी दुनिया में देखा गया। इन तीनों ने खगोलीय पिंडों ने बुधवार की रात को आसमान में एक
बेहद ही खूबसूरत प्रीफेक्टा बनाया, जिसका खगोल विंदो ने भरपूर आनंद लिया। भारत सहित दुनिया भर के लोगों ने आसमान में चमकीले ग्रहों को देखा। जब वे एक दूसरे के करीब आए थे, यह इतना चमकदार नजारा था कि कभी कभी इसे दिन के उजाले में भी देखा जा सकता है। खगोलीय पिंडों की अध्ययन करने वाली दुनिया भर की एजेंसियों ने इस दुर्लभ नजारे को अपने उपकरणों में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यूके स्पेस एजेंसी ने इस तस्वीर को 22 फरवरी की शाम को ली है। एजेंसी का कहना है कि 1 मार्च को और सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। राजश्री मनोविकास मतिमंद मुलांची शाळा रनाडा कामठी येथे जिल्हा परिषदच्या एचओ हेल्थ केअर दिव्या राऊत यांनी आपल्या टीम सोबत मुलांची आरोग्य तपासणी केली। शाळेतील सर्व मुलांना आरोग्य तपासणी करत त्यांच्या आरोग्याबद्दल सुद्धा काळजी घेण्याचे आवाहन केले। यावेळी शाळेतील मुख्याध्यापिका व शाळेतील शिक्षिका सोबतच जिल्हा परिषद एचओ हेल्थ केअर येथील कर्मचारी उपस्थित होते। महाविद्यालयातील विज्ञान मंडळाच्या वतीने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साजरा करण्यात आला। या निमित्ताने विज्ञान रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले। या स्पर्धेसाठी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थिनींनी उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला। या स्पर्धेमध्ये विजेत्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी केले।